आज बात करेंगे लक्ष्मी बॉम्ब के ट्रेलर के बारे में। वैसे तो मैं ट्रेलर का रिव्यू नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से वो सब चुतियापा रहता है, क्योंकि 3-4 मिनट का ट्रेलर रहता है उसका क्या रिव्यू यार। अगर मूवी हो या सीरीज हो तो समझ में आता है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी रहती है तो उसके लिए रिव्यू की जरूरत पड़ सकती है। देखने से पहले कोई भी सोचेगा कि चलो रिव्यू देख लेते हैं, लेकिन ट्रेलर का रिव्यू क्या, मतलब मेरे हिसाब से तो बुलशिट है। फ्रेंड्स लोग भी बोल रहे थे यार ट्रेलर के बारे में भी कुछ बताया कर, थोड़ा रीच बढ़ेगा। तो मैंने सोचा ठीक ही है, ट्रेलर तो बहुत दूर की बात है, आजकल लोग टीजर का भी रिव्यू कर देते हैं यार। टीजर छोड़ो, मोशन पोस्टर आता है ना जो ऐसा, जिसमें खाली लीड एक्टर ऐसा खड़ा रहता है, उसका भी रिव्यू कर देते हैं यार। उसने ये कलर की टी शर्ट पहनी है, उसने जींस पहना, अबे पब्लिक तो खुद ही देख रही है ना क्या पहना है क्या नहीं पहना है, उसका रिव्यू करने की क्या जरूरत है यार। तो इसीलिए मैंने सोचा जब लोग एक फोटो का रिव्यू कर सकते हैं तो हम ट्रेलर का तो रिव्यू कर ही सकते हैं। तो आज लक्ष्मी बॉम्ब के ट्रेलर का रिव्यू करने वाले हैं, लेट स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं किसी को बॉयकॉट करने या ऐसा कुछ करने नहीं बोल रहा हूँ। हाँ आई नो इसमें अक्षय कुमार है, लेकिन उसके लिए झूठ तो नहीं बोल सकते ना यार। तो ऑनेस्टली बोलू ना, ट्रेलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यार। अच्छा लगना तो दूर की बात है, उल्टा ट्रेलर देखने के बाद मूड खराब हो गया। क्योंकि ट्रेलर देख के ये तो क्लियर हो गया कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है, और ट्रेलर देखने के बाद ये भी पता चल गया कि हॉरर तो कुछ लग नहीं रहा है, पूरी मूवी में कॉमेडी करने की कोशिश किया है। और ऑनेस्टली बोलू ना, मुझे 1% भी हंसी नहीं आई कोई भी डायलॉग पे। मतलब कोई भी डायलॉग कुछ फनी लगता ही नहीं है यार। जिस दिन सच में मेरे सामने भूत आया ना, तो मां कसम चूड़िया पहन लूंगा चूड़िया। जितने भी डायलॉग है सब पुराने टाइप के लग रहे हैं, उसमें 1% भी कुछ फनी नहीं लग रहा है। पुरानी तो लगेगी ना यार, क्योंकि ये लोग कंचना का रीमेक कर रहे हैं जो कि 2010 या 11 में आई थी। तो 10 साल पुरानी मूवी का आप रीमेक कर रहे हो, मतलब एकदम डिक्टो रीमेक बना रहे हो। तो वो टाइम पे पब्लिक को पसंद आ गई थी, ये टाइम पे थोड़ी पसंद आएगी यार। सही बात बोले हैं भैया। तो ओवरऑल ट्रेलर की बात करूं यार, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे छोड़ो, बहुत लोगों को पसंद नहीं आया यार। क्योंकि जब परसों ट्रेलर रिलीज हुआ ना, तो मैंने चेक किया, कुछ 20-25 मिनट हुए थे, लाइक तो कुछ 10-20 हजार थे और डिसलाइक लाखों में पहुंच गए थे। इसीलिए वो लोग ने क्या किया मालूम है, लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन ही खत्म कर दिया। अब आप लाइक करोगे या डिसलाइक करोगे आपको तो दिखाएगा, लेकिन उसका काउंट नहीं दिखाएगा। तो देखो यार, लाइक या डिसलाइक को डिसेबल करने से कुछ मतलब तो है नहीं। अगर आपका ट्रेलर अच्छा है या मूवी अच्छी है तो आपको लाइक मिलेंगे, और अगर नहीं अच्छी है तो आपको डिसलाइक भी मिलेगा, तो वो आपको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो वो डिसेबल करके कुछ मतलब नहीं है। इससे पहले सड़क 2 के ट्रेलर को भी 12 मिलियन डिसलाइक गए थे, लेकिन उसने वो एक्सेप्ट किया और उसको शो किया। तो इसने क्या सोचा कि उसका भी रिकॉर्ड टूट जाएगा, इसीलिए इसने लाइक और डिसलाइक ही डिसेबल कर दिया। तो इससे कुछ नहीं होता यार, इससे तो और दिमाग खराब हो गया पब्लिक का। जाहिर सी बात है यार, पब्लिक जिसको उठा सकती है पब्लिक उसको गिरा भी सकती है, क्योंकि सब कुछ पब्लिक के ही हाथ में। अगर वो लोग देखेंगे तो मूवी हिट होगी, नहीं देखेंगे तो फ्लॉप होगी। और पब्लिक इसलिए भी गुस्से में है क्योंकि अभी रिया चक्रवर्ती भी छूट गई, और अक्षय कुमार और उसकी वाइफ वो लोग टोटली रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे थे। तो आधी पब्लिक इसलिए भी गुस्से में है। तो पब्लिक का तो गुस्सा होना बनता है, क्योंकि सुशांत को उनके हिसाब से जस्टिस नहीं मिला। और सुशांत सिंह के बारे में तो मैं उतना कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसके बारे में क्या सच है क्या झूठ है वो आपको अच्छे से पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।